हरे भरे जंगल, झरने और पहाड़ों से ढकी हमारी प्रकृति जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। धरती के 31% भाग में जहाँ जंगल है, वहीं ये जंगल प्रकृति के संसाधनों का घर है। पशु पक्षी और जानवरों का आशियाना होने के कारण जंगल भले ही दिखने में जीवन से भरपूर लगे, लेकिन इन गहरे जंगलों में कई रहस्य दबे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। शाम के समय कभी अगर आप जंगली इलाके के आसपास भी जाते हैं तो आपके मन में जरूर ये डर सताता होगा कि पेड़ की उस पार न जाने क्या होगा। जंगलों में कुछ अनदेखा देखने का डर तो हर इंसान को सताता ही है, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर मौजूद इन जंगलों का फॉर्मेशन इंसान के धरती पर जन्म लेने से भी कई करोड़ों साल पहले हुआ था, जिसका मतलब है कि जंगलों में न जाने कितने साल से कई ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये अनसुलझे रहस्य जंगल में मौजूद आदिवासी या फिर उन जीवों से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैश ईटिंग पैरासाइट। रहस्यों के खजाने से भरपूर फ्लैश ईटिंग पैरासाइट का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर आता है। ये माना जाता है कि ला मॉस्किटिया के जंगलों में पहले एस्टेक सभ्यता का बसेरा था, लेकिन 1520 में इस जंगल में फ्लैश ईटिंग पैरासाइट की बीमारी फैल गई, जिसके बाद ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया था और तब से इस जंगल में कभी किसी आदिवासी कबीले का बसेरा नहीं हुआ। एजटेक सभ्यता के निवासियों का मानना था कि ये देवताओं द्वारा भेजा गया श्राप है जो इस सभ्यता के विनाश के लिए भेजा गया है। 2011 में रिसर्चर्स की एक टीम होंडुरन की लॉस्ट सिटी के बारे में पता लगाने के लिए ला मॉस्किटिया के जंगलों में गए। जंगल से वापस आकर टीम के सदस्य डगलस प्रेस्टन ने अपनी किताब में जंगल में अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में लिखा। दिल दहला देने वाली ये घटनाएं इतनी खौफनाक थीं कि उनका जिक्र करने से भी टीम के रोंगटे खड़े होते थे। प्रेस्टन का कहना था कि इस जंगल में उनकी टीम का सामना फ्लैश ईटिंग पैरासाइट नाम की बीमारी से हुआ। ये बीमारी रिसर्चर्स के लिए अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसके संपर्क में आते ही सदस्यों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना पड़ा। आधे दर्जन सदस्यों ने तो अपना जीवन ही खो दिया। इसका कारण था कि ये पैरासाइट इंसानों के मुंह की मस्कस मेम्ब्रेन से होकर नाक की ओर जाता था और धीरे धीरे नाक मुंह को खोखला कर देता था। ऐसे में नाक बंद हो जाती थी और होंठ चेहरे से निकलकर गिरने लगते थे। ये पैरासाइट पूरे चेहरे को खोखला कर देता था। दरअसल प्रेस्टन बताते हैं कि इस जंगल से लौटने के बाद उन्होंने अपने शरीर पर एक कीड़े के काटने का निशान देखा जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक इसी तरह का निशान प्रेस्टन की पूरी टीम के शरीर पर था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा इस बाइट की जांच करने पर ये बात सामने आई कि जंगल में जाने के बाद सभी सदस्य लैशमनाइसिस नाम की एक पैरासिटिक डिसीज का शिकार बन गए थे। ये बीमारी सैंडफ्लाई बाइट्स के काटने से हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि इस कीड़े के एक बार काट लेने से इंसानी शरीर के अंदर तक घुस जाते हैं और ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में घुसकर सभी इम्यून सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी के शुरुआती दिनों में इंसान को बुखार और उल्टी आती है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैल सकती है। अगर इसका इलाज नहीं हो पाया तो ये कीड़ा पूरे चेहरे को खाकर उसे खोखला कर देता है। जंगल में रहते हुए इस पैरासाइट के अलावा टीम के सदस्यों का सामना एक और खतरे से हुआ। इस समूह को रात में जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा जो उनके कैंप में घुस आए थे। जहरीले सांपों के डर से सभी सदस्य को जल्द से जल्द कैंप खाली करना पड़ा। प्रेस्टन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस जंगल से आर्टिफैक्ट्स को उठाया और जंगल में बसे उस शहर में वापस न जाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो बेहद ही खतरनाक जगह थी। आज भी उस शहर में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि जो टीम के सदस्यों के साथ हुआ वो होंडुरन के मंकी गॉड द्वारा बनाए गए अवरोध थे। ये वही देवता थे जिन्होंने इस शहर को इस बीमारी का श्राप दिया था। टीम को जिन विनाशकारी अवरोधों का सामना करना पड़ा उसके बाद उनका मानना है कि लॉस्ट सिटी हमेशा के लिए अपने रहस्यों पर पकड़ बनाए रखेगा और उन्हें कभी उजागर नहीं होने देगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। लिस्ट में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए अमेज़न के जंगलों की अगर बात करें तो इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इंसानों की कल्पना से भी परे हैं।
2011 में ऐसा ही एक रहस्य दुनिया के सामने आया, जब ब्राजील के मामास रीजन में घूमने आए दो ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने गलती से एक तस्वीर खींची। खींची गई वो तस्वीर कोई साधारण फोटो नहीं थी। इस फोटो ने दुनिया के कई लोगों को चौंका कर रख दिया था। दरअसल इस फोटो को जाने माने पैरानॉर्मल राइटर माइकल कोहेन ने खींचा था। ध्यान से देखने पर फोटो के बैकग्राउंड में कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणी थे। फोटो में खड़े प्राणियों का आकार मानव जाति के किसी भी रूप से मिलता जुलता नहीं था। ये फोटो इतनी चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि जिस इलाके में ये तस्वीर खींची गई थी वहां सबसे ज्यादा यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया था। ऐसे में ये फोटो इस बात की ओर भी इशारा करती हुई नजर आ रही थी कि शायद फोटो किसी एलियन की हो सकती है। कई लोगों द्वारा ये भी अटकलें लगाई जाती थीं कि एलियंस इस इलाके की बायोडायवर्सिटी के कारण इस इलाके में काफी रुचि रखते थे। इसके बाद से ही इस इलाके में एलियंस की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए एक हाई लेवल ब्राजीलियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन प्राटो चलाया गया। इस अभियान के अंदर सेना को इलाके में एलियंस का पता लगाने के लिए भेजा गया। ये ऑपरेशन सरकार ने कई वर्षों तक कवर किया, लेकिन बाद में किसी भी तरह के बाहरी जीव की पुष्टि इस इलाके में नहीं होने के कारण तलाश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। द अमेज़न रिंग्स। अमेज़न के जंगलों में ही छिपे एक और रहस्य की पुष्टि होती है। जी हाँ, ब्राजील के अमेज़न में रिंग के आकार की खाई की सीरीज पाई जाती है। कोई नहीं जानता कि ये रिंग शेप आकार ब्राजील के जंगलों में आए कैसे, इसलिए जंगलों में बने हुए ये स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से रहस्य बने हुए हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट ये सुझाव भी देते हैं कि पाई जाने वाली रिंग्स दफन करने के लिए बनाई गई खाई हो सकती हैं, या फिर पुराने समय में इनका निर्माण रक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए किया गया होगा। वहीं कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि ये दूसरे प्लेनेट से आए यूएफओ द्वारा छोड़े गए निशान हैं, जो इस इलाके में आए थे और उनके जाने के बाद वहां घना जंगल उगाया। माना जाता है कि ये स्ट्रक्चर नजका लाइंस के समान है, लेकिन इस बात की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि वे क्यों मौजूद हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन रिंग्स का निर्माण इंसानी सभ्यता के शुरुआती लोगों द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस क्षेत्र में निवास किया था। सेंटिनलीज ट्राइब। हिंद महासागर के उत्तर में मौजूद सेंटिनल आइलैंड सेंटिनलीज आदिवासियों का घर माना जाता है। पृथ्वी की सबसे पिछड़ी जनजाति सेंटिनलीज आदिवासी हिंद महासागर के इस हिस्से में 60,000 साल से रह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जनजाति बहुत ही पिछड़ी हुई है और यहाँ के लोग बाहरी दुनिया के लोगों के साथ घुलने मिलने का विचार भी नहीं रखते। आज तक जिस किसी ने भी इस कबीले के लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया है वो सेंटिनलीज द्वारा मार दिया गया है। ये आदिवासी अपनी अजीबोगरीब भाषा के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही जब कभी हिंद महासागर में कोई शिप इनके द्वीप के पास भी नजर आती है तो ये कबीला उस जहाज पर तीर और भाले की वर्षा कर देते हैं। हालांकि इस कबीले के लोगों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया के संपर्क से कटे होने के बाद भी ये आदिवासी धातु के औजारों की क्राफ्टिंग करना जानते हैं और खुद को स्वस्थ रखने में भी पूरी तरह सफल हैं। इस कबीले से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य जिसका जवाब आज तक रिसर्चर्स को नहीं मिला है वो है कि ये जनजाति 2004 की सुनामी से कैसे बच पाई। 2004 में आई सुनामी ने अंडमान के कई द्वीपों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, यहाँ तक कि भारत के तटीय क्षेत्र भी इस विनाश से अछूते नहीं रहे। लेकिन माना जाता है कि ये जनजाति इस सुनामी की पकड़ से पूरी तरह बच पाई, जबकि सेंटिनल आइलैंड सुनामी के रास्ते में पड़ता था। हिंद महासागर में आई इस सुनामी की पकड़ से कोई द्वीप नहीं बच पाया, यहाँ तक कि सुनामी ने सेंटिनल आइलैंड को भी अपने लपेटे में लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस द्वीप पर मौजूद आदिवासियों को कुछ नहीं हुआ। इस बात की पुष्टि करने के लिए सुनामी के तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर को द्वीप के बेहद नजदीक भेजा गया। हेलीकॉप्टर द्वीप के काफी नीचे से उड़ के गया ताकि जहां रहने वाले आदिवासियों के जीवन को लेकर कोई जानकारी पा सकें। लेकिन इतनी में द्वीप के जंगल से एक आदमी बाहर भाग गया और समुद्र तट से भाला फेंक कर हेलीकॉप्टर को जाने के लिए इशारा करने लगा, जिससे ये बात साफ हो गई कि द्वीप पर मौजूद आदिवासी सुनामी के कहर से पूरी तरह सुरक्षित थे। हालांकि ये अपने आप में चौंकाने वाला था क्योंकि इतने बड़े समुद्री भूकंप ने भारत की जड़ें हिला कर रख दी थीं। इसने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया। ऐसे में ये इंसानी समझ से परे था कि सेंटिनलीज ट्राइब बाहरी दुनिया की मदद के बिना जीवित रहने में कैसे सफल रही। उन्होंने ये कैसे मुमकिन कर दिखाया
ये हमेशा के लिए रहस्य बना रहेगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी इंसान इस कबीले के बहुत करीब जाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। द लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स। साल 2012 में अमेरिका के गहरे एक्वाडोरियन जंगलों में एक ऐसे शहर के होने की पुष्टि हुई जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स के नाम से जाना गया। इस शहर की खोज के बाद से ही माना गया कि ये कोई आम शहर नहीं था। इसको ढूंढने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने कई निवासियों के साथ मिलकर इलाके का जायजा लिया। यहाँ के निवासी जो इस जगह को अच्छे से जानते थे, उनका मानना था कि कई लाख साल पहले वहाँ पर जरूर किसी शहर का बसेरा था जो वक्त के साथ खत्म हो गया। आगे हुई जांच पड़ताल में रिसर्चर्स को उस जगह पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला जो कि एक पिरामिड सा नजर आता था। 79 मीटर चौड़ा और 79 मीटर लंबा ये पिरामिड असामान्य आकार का था। पिरामिड की टॉप पर एक सपाट पॉलिश पत्थर था। माना गया कि ये पत्थर बलि देने के लिए बनाया गया था। कई रिसर्चर्स ने जायजा लेने पर यह माना कि असल में उस इलाके में कोई शहर बनाया गया था और उसे बड़े जायंट्स द्वारा बसाया गया। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस शहर में बनी इमारतें काफी बड़ी हैं और जायंट्स द्वारा बसाने के कारण ही इस शहर का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स रखा गया। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस शहर में पाए जाने वाली इमारतें केवल बड़ी ही नहीं थीं, बल्कि वहां पाए जाने वाले औजार और आर्टिफैक्ट्स भी काफी बड़े थे। औजार इतने बड़े थे कि उनका इस्तेमाल करना इंसानों के बस की बात नहीं थी। शहर की खोज करने वाली टीम का मानना था कि ये शहर और यहाँ बसने वाली सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि इतिहास में कभी ना कभी एक बार पृथ्वी पर जायंट्स का बसेरा रहा और ये शहर इन्हीं जायंट्स के द्वारा बसाया गया। प्री हिस्टोरिक स्टोन वॉल। कोस्टा रिकन के जंगलों में बड़े पैमाने पर फैले हुए ये पत्थर प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव द्वारा बनाए गए थे। हालांकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अभी इन पत्थरों को बनाने के पीछे इंसानों की क्या सोच थी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ये पत्थर काफी बड़े और गोलाकार हैं। इनका डायमीटर 2.4 मीटर है और खोजकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर धार्मिक मकसद से बनाए गए थे। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि पत्थरों को बनाने के पीछे की वजह क्या थी। साथ ही ये भी हैरान करने वाला है कि इस युग में इतनी बड़ी पत्थरों के निर्माण के लिए औजार कहां से आए। एक रहस्य ये भी बना हुआ है कि कैसे पत्थरों को ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों तक पहुंचाया गया, और ना ही इस बात का पता चल पाया कि उन्हें बनाने के लिए जरूरी संसाधन कैसे मिल गए। द बॉयलिंग रिवर। अमेजोन के जंगलों के बीचों बीच मौजूद ये नदी लगभग 9 किलोमीटर तक फैली है। इसमें गिरने वाले जीवों को पलक झपकते ही मौत की घाट उतारने वाली ये बॉयलिंग रिवर दरअसल पेरुवियन अमेजोन के सेंटर में मौजूद है। हालांकि ये नदी सुनने में फ्रेंच ऑथर जूल्स वर्न की कहानी की तरह लगती है, जिसने एक उबलती नदी के बारे में लिखा था जो पृथ्वी के सेंटर से बहती थी और इसमें गिरने वाली हर चीज मर जाती थी। माना जाता है कि नेशनल जियोग्राफिक यंग एक्सप्लोरर के लेखक एंड्रीज रूजो ने पहली बार अपने दादा से इस कहानी के बारे में सुना था। जब रूजो जियोफिजिसिस्ट बनी तो उन्होंने इस कहानी के ऊपर नदी को खोजने के लिए पुख्ता सबूत इकट्ठा करने का फैसला लिया। उनका मानना था कि इस नदी का ऐसा बर्ताव साइंस की मदद से समझा जा सकता है। रूजो ने नदी के रहस्यों को जानने के लिए पेरू के जंगलों में यात्रा की और नदी को ढूंढ निकाला। नदी का तापमान हमेशा 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। नदी का पानी हमेशा खौलता रहता है और इसकी सतह से अक्सर भाप उड़ती रहती है, लेकिन इसके बारे में अजीबोगरीब बात यह है कि इसका पानी असल में एक ठंडी धारा के रूप में शुरू होता है। दिन में इसका तापमान गर्म होता है और रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है। ये 27 डिग्री सेल्सियस से लगभग 94 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 9 किलोमीटर लंबी ये नदी अपने निचले भाग पर इतनी गर्म है कि गर्मियों के मौसम के दौरान छोटे मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जब इसके पास आते हैं तो ये उन्हें जिंदा उबाल देती है। हालांकि इस बारे में कभी कोई पुष्टि नहीं हुई कि नदी में इतना खौलता पानी कैसे मिलता है, लेकिन माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने गलती से इस नदी के जियोथर्मल सिस्टम को तोड़ दिया था, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर से भारी गैसेस नदी में मिक्स हो गईं। इस नदी के आसपास के इलाकों में बसे नागरिकों का मानना है कि इसके गर्म होने के पीछे का कारण आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और इसलिए यहाँ के मूल निवासी अक्सर नदी को खुश करने के लिए इसके किनारे पर गाना गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैरी कॉक्सी। मैरी कॉक्सी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं,
पर माना जाता है कि ये दक्षिण अमेरिका के बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी हैं, जो 12 फीट तक लंबे होते हैं। इनको देखने की सबसे पहले पुष्टि 1914 में हुई थी, जब पर्सी फॉसेट ने घूमते हुए साउथ अमेरिका के जंगलों में इन राक्षसों को देखने का दावा किया था। उनका कहना था कि विशाल दानव से दिखने वाले ये जीव आधे इंसान और आधे जीव लगते हैं। इनके शरीर पर लंबे बाल होते हैं और ये साउथ अमेरिका के गांव में रहते हैं। उनका मानना था कि ये दानव शिकार को मारने के लिए भाले और तीर का इस्तेमाल करते थे। इनकी बोली इंसानों की भाषा से बेहद अलग थी और ये कबीलों में रहना पसंद करते थे। हालांकि ये दानव आदमखोर से दिखाई देते थे, लेकिन माना जाता है कि ये काफी बुद्धिमान थे। इनको ज्ञान था कि धनुष और तीर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पर्सी एक्सप्लोरर ने अपनी किताब लॉस्ट ट्रेल्स लॉस्ट सिटीज में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे उनके और उनके लोगों पर इस जानवर ने हमला किया था, जब एक्सप्लोरर ने उनके गांव के करीब जाने की कोशिश की थी। हालांकि ये एक्सप्लोरर और इसके लोग खुद को जानवर के चुंगल से छुड़ाकर भागने में सफल रहे, पर इनका मानना था कि ये विशालकाय जीव बेहद डरावने थे। ये इतने लंबे थे कि इनकी गिरफ्त से बचना बिल्कुल नामुमकिन सा था। फिर 1925 में पर्सी फॉसेट अपने लोगों के साथ अचानक कहीं गायब हो गए। कहा जाता है कि ये एक्सप्लोरर एक खोए हुए शहर की खोज में अपने साथियों के साथ कहीं दूर निकल गया। थ्योरीज से पता चलता है कि रास्ते में इनकी टीम किसी स्थानीय जनजाति के द्वारा या भुखमरी का शिकार होकर खुद ही मर गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पर्सी और उसके लोग मारी कॉक्सी द्वारा मारे गए थे। हालांकि इस बात की कोई सबूत मौजूद नहीं है। द डिसअपीयरेंस ऑफ माइकल रॉकफेलर। दुनिया के सबसे विकसित देश के प्रेसिडेंट के साथ हुई ये घटना 1961 के दशक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है, जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट नीलसन रॉकफेलर का बेटा माइकल रॉकफेलर अचानक ही 1961 में गायब हो गया। प्रेसिडेंट का 23 साल का बेटा माइकल रॉकफेलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ग्रेजुएशन का छात्र था, जो अचानक ही जिनेवा के जंगलों से हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। माना जाता है कि प्रेसिडेंट के बेटे को आदिवासी कबीलों से जुड़े रहस्यों को खोजने में बेहद दिलचस्पी थी। वो एक रिसर्चर था जो समय समय पर अलग अलग जंगलों की यात्रा करता था। इसी अभियान के दौरान माइकल ने करीब 13 आदिवासी जनजातियों के गाँव का सामना किया। एक बार इसी खोज के चलते माइकल की नाव पलट गई, जिससे वो और उसका साथी रेन वॉशिंग 16 किलोमीटर दूर जा पहुंचे। इस घटना से बचने के लिए रॉकफेलर ने फैसला किया कि वो नदी के दूसरे छोर पर तैर कर जा सकते हैं और मदद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद माइकल ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने साथी वेसिंग को आखिरी शब्द बोले थे कि मुझे लगता है कि मैं इसे बना सकता हूँ, और उसके बाद फिर माइकल कभी नहीं मिले। कोई नहीं जानता कि माइकल कभी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचे भी या नहीं। इस घटना को लेकर लोगों द्वारा कई अटकलें भी लगाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि माइकल कभी दूसरे छोर तक पहुंचे ही नहीं और रास्ते में ही डूब कर मर गए। वहीं कुछ लोगों का मत इस बात से मेल नहीं खाता। उनका सिद्धांत कहता है कि माइकल नदी के दूसरे छोर तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन वहां पहुंचते ही अस्मैथ ट्राइब द्वारा उन्हें बेरहमी से मार कर खा लिया गया। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद ही माइकल के परिवार वालों द्वारा उसे खोज निकालने के लिए कई जांच शुरू की गईं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस रहस्य के बारे में आज भी बात की जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। द स्टोन हेड ऑफ ग्वाटेमाला। आधे दशक पहले ग्वाटेमाला के घने जंगलों में पाया गया जाइगेंटिक स्टोन चर्चा का विषय बन गया था। दरअसल 1950 में खोजा गया ये पत्थर किसी इंसान के चेहरे के आकार का था। ध्यान से देखने पर यह पत्थर किसी इंसान की शक्ल लगती थी, जिसकी तीखी आंखें, पतले होंठ और बड़ी सी नाक थी, और चेहरा आसमान की ओर इशारा करते हुए बनाया गया था। इस खोज ने तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन चेहरे के बारे में कोई जानकारी न मिलने पर लोगों ने इसे आसानी से भुला दिया, और वक्त के साथ ये खोज इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई। माना जाता है कि खोज में मिले चेहरे की शक्ल कॉकेशियन व्यक्ति जैसा दिखता है, जिसके बारे में कोई दूसरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस पत्थर की खोज के कुछ वर्षों के बाद ही जब डॉक्टर ऑस्कर पाडेला इस जगह पर पत्थर को देखने आए, तो उन्होंने पाया कि पत्थर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ये पत्थर सरकार विरोधी लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इस कहानी को 2012 में फिल्म निर्माताओं द्वारा फिर से उठाया गया। इस पत्थर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री रिविलेशन ऑफ द मायंस 2012 एंड बियॉन्ड में ये दावा किया गया था कि ये पत्थर माया सभ्यता से या इस इलाके में बसने वाली किसी सभ्यता से जुड़ा हुआ था।
जब ये फिल्म बन रही थी तो आर्कियोलॉजिस्ट हिक्टर ए माजिया ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि ये पत्थर माया, नॉटल, ऑलमेक या फिर प्री हिस्टोरिक एरा में मौजूद किसी सभ्यता द्वारा ही बनाया गया था। उनका मानना था कि ये एक असाधारण पत्थर था जो किसी ऐसी सभ्यता द्वारा बनाया गया था जिनके पास अद्भुत ज्ञान था और ऐसी किसी सभ्यता का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था। हालांकि बाकी आर्कियोलॉजिस्ट इस मत से मेल नहीं खाते, लेकिन किसी के पास इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर कोई जवाब नहीं है। जिस इलाके में ये सिर पाया गया था वो इलाका पहले से ही कई कलाकृतियों के पाए जाने की वजह से प्रसिद्ध था, लेकिन पाए गए सभी पत्थरों में ये बात नहीं थी जो कि डॉक्टर ऑस्कर पाडेला द्वारा खोजे गए पत्थर में थी। हालांकि इस पत्थर को लेकर लोगों द्वारा कई सवाल उठाए गए। सभी जानना चाहते थे कि ये पत्थर किसने बनाया और आखिर जंगल के इस इलाके में इंसानी चेहरे वाले पत्थर के होने के क्या मतलब है। लेकिन आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इस पत्थर से जुड़ी कोई भी जानकारी को पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ रहे हैं। अब तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि 1950 के दशक में पाया गया ये पत्थर असल में किस सभ्यता का था, और आगे संभावना ये है कि इस पत्थर के अस्तित्व से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।